जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह। एक यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिविल सर्विसेज के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पीटी में भी और मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बैकग्राउंड में अगर थोड़ी जाए तो जब 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, तो वहाँ बिहार के एक राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण में जो नीलों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, नील उत्पादकों पर, किसानों पर, उसमें काम करने वालों पर, उसके प्रति गांधी जी को जो है उन्होंने आकर्षित किया। लेकिन गांधी जी उस पर ध्यान नहीं दिए। गांधी जी को लगा कि ये साधारण सा व्यक्ति रहता था, लेकिन वो गांधी जी के पीछे फिर पड़ गए। तो गांधी जी फिर वहां जाने के लिए तैयार हुए। तो 1917 में जो हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ, यही चंपारण सत्याग्रह जो आप कहिए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह प्रयोग था और सफल भी हुआ। कई एग्जामों में पूछा भी गया कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का सफल प्रयोग कहाँ किया, तो ये आपको चंपारण में होगा। तो आप देखिएगा, गांधी जी का जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में हुआ था, ये दरअसल था कि जो किसान जो थे चंपारण के, वो नील है यानी कि नील है जो थे उत्पादक जो थे, यानी कि जो नीले उत्पादन करवाते थे वो यूरोपीय थे। और आप देखिएगा कि 19वीं सदी के लास्ट होते होते क्या होता है कि जर्मनी वगैरह जो भी थे वहां क्या हुआ कि केमिकल से नील बनाना शुरू कर दिया गया था, जिससे नील का डिमांड कम हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ अब किसानों को कम पैसे मिलने लगे थे। तो किसान अब चाहते थे कि नील का उत्पादन नहीं करे, लेकिन जो यूरोपीय नीले उत्पादक थे वो किसानों को मजबूर करते थे कि उत्पादन करना पड़ेगा और उसको पैसे भी कम देते थे। उसके बाद अब देखिएगा कि नील खेती काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अत्याचार भी करते थे, जिसके प्रति जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है तीन कठिया पद्धति, इसको थोड़ा समझिएगा कि तीन कठिया पद्धति क्या था। देखिए, तीन कठिया पद्धति ये था कि किसान चाहते थे कि हम नील की खेती इनमें काम नहीं करें या नील की खेती नहीं करें, लेकिन यूरोपीय नील है जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको 3/20 भाग पर, मतलब कि 20 कट्ठे में, आपके एक बीघा जिसको बोलते हैं उसमें 20 कट्ठे होते थे, 20 कट्ठे में मतलब आपको 3 कट्ठे में आपको नील का उत्पादन करना होता था, इसके लिए वो मजबूर करते थे किसानों को। और उसके बाद चंपारण में जब गांधी जी प्रवेश हुए, गांधी जी जब मान गए और जब गांधी जी पटना पहुंचे, पटना के बाद चंपारण पहुंचे, तो चंपारण के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन गांधी जी ने उनके आदेशों को नहीं माना और गांधी जी चंपारण की तरफ बढ़े। जब गांधी जी चंपारण गए तो पटना से उसके साथ जो कौन कौन लोग थे, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी के साथ इसमें कौन नहीं थे या इसमें से कौन थे। तो उसमें आप याद रखिएगा कि ये चंपारण में जब गांधी जी गए तो उसमें साथ में उनके बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं। उसके बाद जेबी कृपलानी साहब थे, जेबी कृपलानी साहब के बाद जो है महादेव देसाई थे, महादेव देसाई, मजहरुल हक साहब थे, नरहरी पारिक साहब थे और ब्रिज किशोर थे। उसके बाद देखिए कि ब्रिटिश जब गांधी जी वहां पहुंचे, नीलों से किए बात किए, सभा किए, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो मजबूर हुई और उसके नील के खेत नीलों के जांच के लिए, उनकी उससे संबंधित जो अत्याचार हो रहा था उसके जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और जिसमें जो है गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके बाद जब उसमें निर्णय आया तो 25% राशि वापस करने पर नीलो यानी कि यूरोपीय मालिक जो थे वो 25% वापस करने पर जो है किसानों को वापस करने के लिए राशि जो राजी हो गए। तो इस प्रकार से आप देखिए कि गांधी जी का यानी कि चंपारण सत्याग्रह हमारा सफल हुआ और गांधी जी का ये पहला सफल सत्याग्रह था। उसके बाद आप इसी आंदोलन के समय जो है, इसी सत्याग्रह के समय जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जो था चंपारण सत्याग्रह के समय ही गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा की उपाधि जो गांधी जी को मिला कब मिला, तो चंपारण सत्याग्रह के समय मिला था। और किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और एक चीज और इसमें याद रखिए कि एक एनजी रांगा थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया यानी कि विरोध किया था, वो चाहते थे कि चंपारण सत्याग्रह न हो। तो फ्रेंड्स, हम अगर इसको एक बार रिविजन करें तो आप देखिए कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में बिहार में हुआ था और ये नीलहो पर अत्याचार के खिलाफ हुआ था, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे और गांधी जी का ये पहला आप कह सकते हैं कि मास मूवमेंट था और पहला सत्याग्रह का वहाँ प्रयोग हुआ था और सफल भी हुआ था। और गांधी जी को वहाँ आने के लिए जो प्रेरित किए थे वो राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी निश्चय दृढ़ता को देखकर गांधी जी उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। जब गांधी जी
पटना पहुंचे, पटना के बाद चंपारण पहुंचे, तो चंपारण के मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने क्या किया कि गांधी जी के खिलाफ जो नोटिस जारी किया कि गांधी जी यहां से जल्दी वापस चले जाए नहीं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन गांधी जी उनकी बातों को नहीं माने और गांधी जी डायरेक्ट चंपारण के उस जगह पर गए जहां किसानों के से बात करना था, जहां किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था। जब वहां गए तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद जेबी कृपलानी थे, मजहरुल हक साहब थे, नरहरि पारिक थे और ब्रज किशोर थे। उसके बाद इसके लिए फिर जांच कमेटी यानी कि जांच आयोग बनाएगा जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। उसका ये निर्णय लिया गया था कि 25% राशि जो है किसानों को वापस करेंगे यूरोपीय नील है, क्योंकि यूरोपीय नील है ही उसको ज्यादा उसको मजबूर करते थे, कम पैसे देते थे, तो उन्होंने राजी हुआ। और इस तरह से सब पहला सत्याग्रह गांधी जी का सफल हुआ। और इसी सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया राज्य रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आपको चंपारण सत्याग्रह को समझाने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट हमें जरूर करें। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।